Hello, children. How are you all? I hope you are all doing well. Today, we learn lesson 1 of our textbook, Carnation, term 3, titled Where is my mummy? Before we start our lesson, let's do some exercise. look at the picture given on the screen what can you see yes firstly it is a picture of a farm यह एक फार्म की पिक्चर है फार्म क्या होता है फार्म एक जगह होती है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है और पाला जाता है सेकेंडली वी कैन सी अ गर्ल प्लेइंग विथ रैपिट्स एंड अदर फीडिंग अ हॉर्स हमें इस पिक्चर में दो गर्ल्स दिख रही हैं एक रैबिट से खेल रही है और दूसरी हॉर्स को कुछ खिला रही है थर्डली द हॉर्स इज इन अ स्टेबल हॉर्स कहाँ पे है स्टेबल में स्टेबल हॉर्स के घर को कहते हैं देअ इज अ हैंड इन द कूप हैंड कहाँ पे है कूप में है हैंड के घर को क्या कहते हैं कूप उसके बाद हम कुछ डक्स देखते हैं जो कि पॉन्ट में है देर आर डक्स इन दौट सिक्स देर आर शीप इन पेन जहाँ पे शीप को रखा जाता है उस जगह को पेन बोलते हैं देर इज अ काव इन शेड हमें यहाँ पे एक काव दिख रही है जो कि शेड में है देयर इज़ अ मैन ऑन अ ट्रैक्टर ट्रैक्टर पर एक मैन बैठा है लास्टली वी कैन ऑल्सो सी फ्रूट्स ऑन द ट्रीज और कुछ ट्रीज हैं जिनपे हमें फ्रूट्स दिख रहे हैं नाउ आई गेव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन टू दिस लेसन This lesson is about a little puppy who has lost his mother on the farm. He asks many animals like cow, duck, sheep, hen, and cat about her, but no one knows. At the end of this lesson, we will see how and where he finds his mother. यह लेसन एक छोटे से पपी के बारे में है जिसकी मम्मी फार्म पर खो गई है वह कई जानवरों से उनके बारे में पूछता है जैसे काउ से डक से शीप से हैंड से और कैट से लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं होता इस लेसन के एंड में हम यह देखेंगे कि वह कैसे और कहाँ अपनी मम्मी को ढूंढ पाता है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स रीड अ लिटिल पापी लूजस हिज मदर ऑन द फार्म ही रंस हेयर एंड देयर ही रंस टू द फील्ड And sees a cow chewing the cud. यहाँ पे farm का मतलब है an area used for keeping animals. एक जगह जहाँ पर animals को रखा जाता है और यहीं पे उन्हें पाला जाता है फील्ड का मतलब होता है मैदान चूइंग यूजिंग द टीथ टू बाइट फूड इन स्मॉल पीसेस अपने दांतों की सहायता से अपने खाने को चबाना छोटे छोटे पीसेस में कट करना कट कट मतलब है फूड द टकाउ ड्रिंक्स पैक इन टू इट्स माउथ टू चू अगेन खाने को वापस अपने पेट से मुंह में लाना और फिर उसे अच्छे से चबाना एक छोटे से पपी की ममी पाम पर गुम जाती है। वह उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है वह एक मैदान में पहुंचता है वहां उसे एक काव जुगाली करती हुई मिलती है जुगाली का मतलब है खाने को अपने पेट से मुंह में लाना और फिर उसे अच्छे से चबाना जब वे काऊ से मिलता है तो उनसे पूछता है हैव यू सीन माई मम्मी क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है अब काऊ ने तो उसकी मम्मी को देखा ही नहीं था तो वो क्या कहती हैं वाई डोंट यू लुक नियर द पॉन्ट तुम उन्हें पॉन्ट के पास क्यों नहीं देखते नाउ द पपी रंस टू दॉन्ट एंड सीज द ड स्विमिंग अब वह पपी पॉन्ट की तरफ भागता है और वहां पर कुछ डक्स को स्विम करते हुए देखता है वह उनके पास जाता है और पूछता है हैव यू सीन माई मामी क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा इस पर डक्स क्या बोलती हैं बोलती हैं वाई आर यू वर्ड लुक फॉर हर इन दैन वे कहती हैं, तुम क्यों परेशान हो जाओ उन्हें पेन में ढूंढो द पापी रंस टू दैन एंड सीज द मदर शीप एंड हर लैम्प अब वह पप्पी पेन की तरफ भागता है और वहाँ पे मदर शीप और उनके छोटे से बच्चे लैम्प को देखता है उनसे भी वह यही पूछता है हैव यू सीन माई मामी क्या तुमने मेरी मामा को देखा इस पर शीप क्या बोलती है दे टेल द लिटिल पापी टू गो टू द कूप टू फाइंड हिज मम्मी वे कहती हैं जाओ कूप में और अपनी मम्मी को वहां पे ढूंढो कूप हैन के घर को बोलते हैं द लिटिल पप्पी रंस टू दूप एंड सीज दी हैन सिटिंग विथ हर चिक्स अब वो लिटिल पप्पी कूप की तरफ दौड़ता है और वहां पे Hand को अपने चिक्स के साथ बैठे हुए देखता है उनसे पूछता है Have you seen my क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है इस पर चिक्स थोड़े परेशान हो जाते हैं वो कहते हैं शेष आ मम्मी अरे ये तो हमारी मम्मी है द मदर हैंड आस्क हिम टू लुक फॉरेस्ट मम्मी इन दामर्स हाउस मदर हैंड पप्पी कहती है कि आप अपनी मम्मी को फार्मर के घर में ढूंढो द लिटिल पप्पी किचन ऑफ द फार्मर्स हाउस अब वो लिटिल पपी फार्मर के घर की किचन की तरफ दौड़ता है ही सीज द कैट एंड हर किटन्स ड्रिंकिंग मिल्क वहां पर वो कैट और किटन्स को दूध पीते हुए देखता है फिर से वो वही क्वेश्चन पूछता है हैव यू सीन माय मम्मी क्या तुमने मेरी मम्मी को देखा है? है इस पर चैट बोलती है व्हाई डोंट यू लुक फॉर योर मम्मी इन द गार्डन तुम अपनी मम्मी को गार्डन में क्यों नहीं ढूंढते द लिटिल पप्पी रनस टू द गार्डन एंड सीज हिज मम्मी एंड ए सिस्टर अब क्या था पपी गार्डन की तरफ दौड़ता है वहाँ पे वो क्या देखता है वहाँ पे उसे उसकी मम्मी और सिस्टर दोनों मिल जाती है एकदम से उसके मुंह से निकलता है मम्मी दे यू आर वेर हैव यू बीन माय लिटिल पपी अब उसकी मम्मी बोलती है तुम कहाँ थे मेरे लिटिल पपी इस पर पपी बोलता है आई वॉज लुकिंग फॉर यू मैं आपको ढूंढ रहा था मम्मी बोलती है एंड आई वॉज लुकिंग फॉर यू और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पपी बोलता है नाउ आई एम हैप्पी अब मैं खुश हूं मम्मी हक्स एंड किसेस हर लिटिल पपी एंड गिव्स हिम मिल्क टू ड्रिंक अब मम्मी पपी को हक करती है हक मतलब अपने गले लगाती है और उसे किस करती है और उसे दूध देती है पीने के लिए हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है हमें इस लेसन से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए लगातार कोशिश करनी चाहिए हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी आप भी हमेशा कोशिश करते रहिए आप भी जरूर सफल होंगे आई होप यू ऑल आर ऑल्सो हैप्पी टू सी द लिटिल पपी विथ इज मम्मी लिटिल पपी को उसकी मम्मी के साथ देखकर आप सभी भी बहुत खुश होंगे जल्दी मिलते हैं थैंक यू एंड बी प्लेस्ड ऑलवेज